प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने कहा, मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में पुलिस ने सही कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने कहा, मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में पुलिस ने पूरी तरह सही कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, सपा सरकार के समय पुलिस कर्मी अपने आप में झुकना बेहतर समझते थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर में वर्तमान शिक्षा और समाज कल्याण के विद्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण ने बताया, मंगेश यादव एनकाउंटर मामले में पुलिस ने पूरी तरह सही कार्रवाई की है। असीम अरुण ने कहा कि जब भी कोई पुलिस वाला घर से निकलता है तो यह सोचकर नहीं निकलता कि उसे गोली चलानी है, लेकिन जो अपराधी डकैती में इन्वॉल्व है और पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाएंगे ही। यह जवाबी कार्रवाई उनका अधिकार है। सपा सरकार में पुलिस कर्मी अपने आप में झुकना बेहतर समझते थे, लेकिन आज पुलिस का मनोबल ऊंचा है और प्रशिक्षित है। उन्होंने कहा, योगी सरकार में अपराध और अपराधियों को क्षमा नहीं किया जा सकता। असीम अरुण समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज एक बहुत सुंदर परिचर्चा का कार्यक्रम आजमगढ़ में आयोजित हुआ। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो अनुदानित विद्यालय संचालित किए जाते हैं उनकी व्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसके बारे में कई चुनाव आए। कुछ एक पे निर्णय हुआ, कुछ एक पे अभी चर्चा और होगी और जल्दी निर्णय होगा। हमारे आश्रमवर्ती विद्यालय के बच्चियों ने भी बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया और जैसा योगी जी ने प्रयास किया है, हम सबको मिलकर के अपनी अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा देना है, उनको तैयार करना है, क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए यही हमारे साथी हैं जो देश को आगे बढ़ाएंगे। जो विद्यालय हमारे हैं उनमें सबसे पहले हमें शिक्षकों की स्थिति ठीक करनी है। शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुदानित विद्यालय में की जा रही है। और साथ साथ ये भी विचार है कि अनुदान के रूप में केवल वेतन नहीं, हम लोग और व्यवस्थाएं भी दें, जिससे कि भौतिक व्यवस्थाएं, फर्नीचर, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें भी हमारी विद्यालय की अच्छी हो पाए। जो CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की व्यवस्था है उसके तहत भी अपने विद्यालय को हम लोग डोनेशन बड़ी बड़ी कंपनियों से दिलवाएंगे, ताकि हमारे विद्यालय जो कुछ तो 100 साल पुराने हैं ये अच्छे से आगे बढ़ पाए। एक डकैती होती है, उसमें कुछ अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं, एक अपराधी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के ऊपर फायर करता है, उसकी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर किस्सा केवल इतना है, इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। और जो भी पुलिसकर्मी दबिश देने के लिए जाता है, गिरफ्तारी के जाता है, वो कोई भी ये सोच नहीं जाता है कि आज गोली चलानी है। लेकिन जब अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाए, समाजवादी पार्टी के समय पुलिसकर्मी अपने आप को छुपना बेहतर समझते थे, लेकिन आज पुलिस का मनोबल ऊंचा है, पुलिस प्रशिक्षित है। अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाता है तो कानूनी तरीके से पुलिस उसका विरोध करती है, अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए जवाब देती है। और यही इस केस में हुआ, सारे जांचें जो होनी चाहिए वो भी की जा रही है, किसी प्रकार कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है और हम लोग अपनी सुधरती हुई कानून व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा हो चाहे हमारा बूथ हो, हर चुनाव के बाद विश्लेषण करती है कहाँ पे हमने अच्छा किया, कहाँ पे किसी वजह से हम थोड़ा पीछे छूट गए और उसको हम लोग ठीक करते हैं। ये हमने लोकसभा चुनाव के बाद भी किया, आजमगढ़ में भी लगातार कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो मोदी जी की नीतियाँ हैं वो दीर्घकालिक हैं, एक आध चुनाव के झोंके से उसको फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को जनता का विश्वास है और आगे भी रहेगा।